बिजनेस कैसे किया जाए और कौन सा किया जाए तो वो लोगों को पता नहीं है, इसलिए बहुत सारे युवा बिजनेस में गलत बिजनेस शुरू करके परेशान हो जाते हैं। आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बिजनेस ऐसा है कि इस बिजनेस को आप आपके टाइम के अनुसार कर सकते हैं। जी, जब बिजनेस शुरू करते हैं हम तो सबसे बड़ी जो कस्टमर या कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो ये करता है साहब हम बना तो लेंगे बेचेंगे कहाँ। तो ये जो बिजनेस है इस बिजनेस में आपको बेचने के लिए कहीं नहीं जाना है। आपने ये बिजनेस शुरू किया तो लोग आपके पास आते हैं और आपके सर्विसेस लेके जाते हैं जी और आपको पैसा दे के जाते हैं। ये जो बिजनेस है ना इस बिजनेस में लोग मुझे ला के देते हैं, मेरे से कुछ लेके नहीं जाते। मैंने उनसे कहा ये क्यों, साल का 365 दिन चलने वाला ये बिजनेस है क्योंकि ये एडिबल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जी जी जी, यानी ऐसा नहीं है कि कपड़े का सीजन है दिवाली में या ईद के पीरियड में चलेगा या जो ये रहते हैं आपके फेस्टिवल उसी पीरियड में चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, क्रिसमस है ऐसे पीरियड में चलेगा, ऐसा नहीं है। ये साल भर चलने वाला बिजनेस है। 4 महीने में एक छोटे से शॉप से उन्होंने 20 से 22 लाख रुपए तक का काम किया और एक छोटे से शॉप से। ये बिजनेस आपका ऐसा है जिसमें आप आज बना रहे वहीं पे वहीं वो जा रहा है। बिल्कुल, तो यानी कि आपके हाथ में प्रॉफिट आ जाता है, सीधा प्रॉफिट आपके हाथ में आ रहा है। और आज की जो हमारी मशीनरी है ये इतनी धमाकेदार होने वाली है कि अगर आप YouTube के ऊपर एक सक्सेसफुल बिजनेस ढूंढ रहे हैं ना तो ये बिजनेस ढूंढने की जो आपकी खोज है ये आज यहीं पर खत्म होने वाली है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है काम धंधा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आए हैं भारत एग्रीटेक में आपको एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया समझाने के लिए, और हमारे साथ हैं भारत एग्रीटेक के MD मिस्टर शेखर पत्रावाले। सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में सबसे पहले, और सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा बिजनेस आइडिया हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करने का फैसला किया। सर मैं सबसे पहले आपके कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तो सर हमारी जो कंपनी है वो भारत एग्रीटेक नाम से है, लातूर के MIDC एरिया में हमारी कंपनी है जो महाराष्ट्र में आता है। बेसिकली हमारी जो कंपनी है जो नए नए उद्योजक जिनको बनना है या जो लोग जो युवा अपने खुद के पैर पे खड़ा रह के कोई बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए कोई बिजनेस सॉल्यूशंस और कोई अपॉर्चुनिटीज देते हैं जी। और उसमें जैसे कोई कोल्ड प्रेस ऑयल का बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई कैटल फीड का बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई जो एनर्जी फ्यूल जिसे वुड पैलेट बोलते हैं वो बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई जो लकड़ी से जो हम वुड चिप यूज़ होता है वो भी बहुत बड़े पैमाने पे टनों से फैक्ट्रीज में या थर्मल पावर प्लांट्स में लगता है, जहाँ जहाँ बॉयलर है वहाँ पे लगता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, तो वो बना के आप कैसे सप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर एक नटशेल में कहा जाए तो ऐसा बिजनेस जो हर दिन चलता रहे, हर दिन उसका पैसा आपको मिलता रहे और जिसमें आपको इन्वेंट्री जो रहता है जो तैयार माल है या उसका रॉ मटेरियल है उसमें लाखों रुपया अटक के ना बैठे, यानी ऐसे बिजनेस हम सॉल्यूशंस देते हैं जिसमें आप हर दिन पैसा कमा के वो आप आपके एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे बिजनेसेस को हमारी जो कंपनी है वो प्रमोट करती है और ये बिजनेस आइडियाज़ दोस्तों आप तक पहुंचाने का भी काम ये लोग करते हैं। और जैसे हम आपके लिए सबसे बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ हमेशा से लाते हैं उसको हम हमारी ड्यूटी मानते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और शेखर सर ने हमें बताया है कि आज वो एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया आपको बताने वाले हैं, क्या इक्विपमेंट लगेगा, कैसे आप बिजनेस करोगे, सारी A to Z इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप बिजनेस आइडिया की तलाश कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा देखिए, 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे लेकिन आपको इस वीडियो में एक बहुत ही कमाल का बिजनेस आइडिया मिल जाएगा। तो शेखर जी सबसे पहला सवाल, आज के वीडियो में आप कौन सा बिजनेस आइडिया हमारे दर्शकों के लिए लाए हैं? बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं कोल्ड प्रेस ऑयल के बिजनेस के बारे में।
सर ये कोल्ड प्रेस क्या होता है? देखिए कोल्ड प्रेस ऑयल जो है, यानी ऑयल की जो हमारी परंपरागत एक प्रोसेस थी जी, जिसे हम कोलू या लकड़ी का घाना कहते थे। जी जी लकड़ी हमारे का घाना। जो पूर्वज है वो काफ़ी समझदार थे, उनको नेचुरल ऑयल का इम्पोर्टेंस मालूम था, तो वो जो प्रोसेस पहले निकालते थे जिसे कोलू बोलते थे, तो कोलू से जब ऑयल निकलता था तो वो बहुत ही अच्छा नेचुरल क्वालिटी ऑयल रहता था। बाद में जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता गया टाइम, वैसे लोगों को मेहनत मुश्किल लगने लगी। जैसे कोलू में बहुत टाइम लगता है और उसका जो प्रोडक्शन स्पीड है वो काफ़ी कम है। फिर आगे जो ऑयल एक्सपेलर है जिसे हीटर के साथ दिया जाता है, यानी बॉयलर वगैरह लगा के फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे हम बोल्ट टाइप ऑयल एक्सपेलर बोलते हैं, तो उन मशीनों में ऑयल निकलना शुरू हो गया। अब उन मशीनों में क्या होता है कि बहुत बड़ी हीट बढ़ जाती है। हाँ। तो जो हमारे पुराना हमारा जो टेक्निक था जिसमें कम से कम टेम्परेचर पे ऑयल निकले, बिकॉज ऑयल का टेम्परेचर जब 72 डिग्री के ऊपर 70-75 डिग्री के ऊपर जाता है तो उसके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जी, वो नष्ट होते हैं। हाँ, विटामिन से मिनरल्स वगैरह, ऐसा जो माना जाता है कि ज़्यादा टेम्परेचर पे वो बॉन्ड्स टिकते नहीं है जी, तो उसका जो फ़ायदा है ऑयल का वो हमें पूरी तरह से नहीं मिलता, इसलिए हमें कोल्ड प्रेस ऑयल खाना चाहिए, ऐसे हमारा जो पूरा स्टडी है वो बताता जी। है आजकल डॉक्टर भी यही बता रहे हैं कि कोल्ड प्रेस ऑयल हमारे सेहत के लिए कितना बेनिफिशियल है जी। अब ये जो मशीन है ये अपनी मशीन कोल्ड प्रेस नेचुरल ऑयल निकालती है। अच्छा। अब बाजार में जो ऑयल मिलते हैं वो तो रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल का अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए तो आप, मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, रिफाइंड ऑयल का आप गूगल पे या यूट्यूब पे खुद सर्च कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रिफाइंड ऑयल कितना डेंजरस है। नेचुरल ऑयल जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए सभी लोग नेचुरल ऑयल को रेकमेंड कर रहे हैं, और उसमें भी अगर नेचुरल ऑयल आपको अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो आपको कोल्ड प्रोसेस से वो निकालना पड़ेगा जी। अब उस क्वांटिटी के लिए अपना जो भारत एग्रीटेक का कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन है वो बहुत बड़े काम में आता है। यानी कि ये कोल्ड प्रेस मशीन आपको जो बाकी मशीन से जैसे गर्म ऑयल निकलता है जी, और उसके बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ खत्म हो जाते हैं, तो वो इस मशीन में नहीं होगा जी। यानी कि इस मशीन में जो ऑयल निकलेगा वो काफी गर्म नहीं होगा बिल्कुल भी, वो कम टेम्परेचर पे ऑयल निकलता है इसमें, और जो इसका टेम्परेचर है दूसरे एक्सपेलर बोल्ट टाइप एक्सपेलर के मुकाबले वो काफ़ी कम आता है। पहली बात तो ये है कि काफ़ी कम टेम्परेचर पे ऑयल निकलता है, दूसरी बात यह है कि इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि जो बोल्ट टाइप एक्सपेलर में 7-7, 8-8 बार लोग डालते हैं। हाँ। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे जैसे यूपी बिहार हरियाणा पंजाब, तो वहाँ पे बहुत सारी जगह पे जो बोल्ट टाइप ऑयल एक्सपेलर लगे हैं वहाँ पे 3 बार वही यानी खल फिर से वापस डलेगी फिर ऑयल निकलेगा, तो 3 बार से लेके 7-8 बार तक भी कहीं कहीं डाला जाता है। तब तक जो कस्टमर है जो ग्राहक है जो सीड लेके आया है वो खुश होता ही नहीं है क्योंकि उसको उसकी खल में ऑयल दिखता है। बिल्कुल। वहीं पे जब अपनी मशीन लगाते हैं तो हमारे बहुत सारे कस्टमरों का ये अनुभव है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बार में वो निकाल के देते हो तो कस्टमर खुद बोलता है कि बस अब इसके आगे निकलेगा ही नहीं तो क्यों डालेंगे राइट। तो यानी ये एक्सपीरियंस है तो उसकी जो प्रोडक्शन स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। राइट राइट राइट। यानी कि ये मशीन की ये खासियत बहुत अच्छी लगी कि ये कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकाल लेता है सीड्स में से। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला सवाल तो ये है हमारा कि ये बिज़नेस के बारे में हो सकता है काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं हो, तो ये बिज़नेस में ऐसी क्या ख़ास बात है और ये ही बिज़नेस क्यों लोगों को करना चाहिए, ये आप हमें बता दीजिए प्लीज़। आज के युवा हो गए या कोई एज्ड पर्सन्स हो गए उनको बिज़नेस करने का एक ज़रिया चाहिए जिससे वो एक अच्छा खासा बिज़नेस कर सके। बिज़नेस हम क्यों करते हैं सर? बिज़नेस इसलिए करते हैं ताकि 2 पैसा हम कमा पाए। आज की डेट में आज इंडिया में ऐसी परिस्थिति है कि प्राइवेट नौकरियां भी नहीं मिल रही है और गवर्नमेंट सर्विसेज भी बहुत सारे ऑलरेडी है, उसमें भी बहुत सारे लोचे हैं, जैसे रिजर्वेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया,
तो जो नए लोग हैं उनको सर्विस बहुत मुश्किल मिलती है। अभी ऐसे सिचुएशन में अगर हम सर्विस ढूंढते बैठेंगे तब आपका जो मेन पीरियड है, जो एज रहता है जिसमें आपको कमाना है, वो निकल जाता है जी। उसकी जगह पे बहुत सारे जो युवा है वो ये ट्राई कर रहे हैं कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। राइट। बट बिजनेस शुरू करने में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अब तक ऐसा कोई एजुकेशन नहीं हुआ कि आप कैसे बिजनेस करेंगे तो पैसा कमा पाएंगे। बिल्कुल। तो लोग जो सामने दिखता है या कोई उनका दोस्त कर रहा है, यानी मान के चलिए कि किसी ने कपड़े का शॉप निकाला, तो वो अगर दो पैसा उनको लग रहा है कि वो कमा पा रहा है तो वो खुद डालते हैं, बट वो उसकी जो डिमांड और सप्लाई है उसको स्टडी नहीं करते, नहीं कर पाते। या फिर बिजनेस के जो रूल्स हैं, जैसे हर कोई बिजनेस में आपको दो तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हर बिजनेस करने से पहले आपको ये देखना है कि उसमें आप बिजनेस करके दो पैसा कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं, प्रॉफिट कितना है जी। और प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट आप निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे। राइट। जैसे मैं अब ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर बात करना चाहे तो बहुत सारे, अभी कपड़े का हमने जिक्र किया तो कपड़े के बिजनेस में 40-40% 80-80% मार्जिन है ऐसा कहा जाता है। बट अगर आप कहीं पे किसी कपड़े के शॉप पे जाएंगे और देखेंगे तो वो अगर 42 साइज का एक शर्ट अगर दिखाता है आपको जी, तो आपका साइज का वो शर्ट तो आपको आ जाता है, लेकिन वो 20-25 सैंपल डालने के बाद भी, पीसेस डालने के बाद भी आपको मनचाहा कलर पसंद नहीं आता या डिजाइन पसंद नहीं आता। नहीं आता है, कभी कभी होता है। तो जब वो, कभी कभी नहीं सर, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि उसको जो डिजाइन पसंद आती है उसका साइज नहीं है या कलर नहीं है। तो उनकी जो इन्वेंट्री है, यानी वो जब दिन में एक 10,000 रुपये का माल बेचते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये बचा भी लेते होंगे, लेकिन उनका जब नया ऑर्डर बनता है जी, तो वो जितने पीस उन्होंने बेचे हैं उतने ही पीस ला के नहीं रख सकते, नहीं रख उनको सकते। फिर वो क्वांटिटी में लाना पड़ता है और वो इन्वेंट्री बढ़ते जाता है, यानी जो दो पैसा उन्होंने कमाया है वो सारा इन्वेंट्री में बनते जाता है जी। और वहाँ पे ऐसा है कि कंपटीशन में आज जहाँ सेल लगी है वहाँ लोग जा रहे हैं जी, तो इन्वेंट्री तो बढ़ते जाती है, तो वो पैसा जो अर्न कर रहा है ना वो एक्सट्रैक्ट बिजनेस से नहीं कर पाते, नहीं कर जैसा किराना शॉप है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिसमें आप पैसा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मार्जिन मिले, इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। आप जी तो सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी मीन्स इच्छाएं है, जरूरत पूरी हो जाती है, लेकिन यानी खाने की जरूरत पूरी हो जाती है बट इच्छाएं नहीं पूरी होती। यानी आपको कहीं जाना है तो आपका टाइमिंग है शॉप का, उस टाइमिंग में ही आपको काम करना है, तो आप वो बिजनेस के नौकर बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जिसमें बिजनेस कैसे किया जाए और कौन सा किया जाए, तो वो लोगों को पता नहीं है, इसलिए बहुत सारे युवा बिजनेस में गलत बिजनेस शुरू करके परेशान हो जाते हैं। आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बिजनेस ऐसा है कि इस बिजनेस को आप आपके टाइम के अनुसार कर सकते हैं जी। जब बिजनेस शुरू करते हैं हम तो सबसे बड़ी जो कस्टमर या कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो ये करता है, साहब हम बना तो लेंगे, बेचेंगे कहाँ। तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको बेचने के लिए कहीं नहीं जाना है। आपने ये बिजनेस शुरू किया तो लोग आपके पास आते हैं और आपके सर्विसेस लेके जाते हैं जी, और आपको पैसा दे के जाते हैं। मेरे एक अभी परसों ही एक कस्टमर आए थे जी, अग्रवाल है, जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में आपने सुना होगा तो अग्रवाल जो है वो बिजनेस कम्युनिटी है बहुत बड़ी जी। और अग्रवाल आदमी जो बात सोचता है वो कॉमनली बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात कही कि सर ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में लोग मुझे ला के देते हैं, मेरे से कुछ लेके नहीं जाते। मैंने उनसे कहा ये क्यों, तो बोले ये जो कोल्ड प्रेस का ऑयल का बिजनेस है जी, इसमें मैंने अपने शॉप पे मशीन लगा दी है, कस्टमर मेरे पास सीड लेके आता है, सीड निकालने के पैसे वो देके जाता है, ऑयल लेके जाता है, पैसे देके जाता है। अगर उसको खल नहीं चाहिए तो वो सीड लेके आएगा, ऑयल लेके जाएगा और खल मेरे पास छोड़ जाएगा। हाँ। यानि वो मेरे पास कुछ मेरे पास से नहीं देके, मीन्स लेके नहीं जा रहा, वो सारा मेरे पास देके जा रहा है। और उनका ये एक्सपीरियंस है,
मीन्स उन्होंने 1965 से वो इस बिजनेस में है। अच्छा, तो इस बिजनेस में उन्होंने देखा है कि आज कोल्ड प्रेस उन्होंने क्यों परचेस किया। तो एक तो ये लोगों को बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी का ऑयल है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है इसकी। दूसरा, उनका जो प्रोसेसिंग पुराने मशीनों पे चलता था वो काफ़ी स्लो था। हाँ। उसके 2-3 गुना उनका इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, ऐसा उनका कैलकुलेशन है। यानी अगर वो दिन का 2000 कमा रहे हैं तो इस मशीन से दिन का 4 से 6 हज़ार वो कमा पाएंगे, ऐसा उनका ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन है, वो उनके अनुभव पे उनका एक्सपेक्टेशन है। दूसरी बात ये है कि इस बिजनेस में कोई आदमी नहीं लगता और जगह उनको बहुत कम जगह पे उन्होंने शुरू किया है। जी, वो तो हम मशीन के साइज को देख करके समझ सकते हैं। तो जब ये उन्होंने प्रोसेस शुरू किया तो उन्होंने ये बताया कि आज की डेट में इस बिजनेस से हर दिन समझो 3000 भी कमा लिए तो वो कल जाके 3000 इसमें नहीं लगाने, वो आपको बाहर आपका खर्चे के लिए रखने हैं। जी, ऐसे आज की डेट में अगर कोई 5000 दिन का कमा पा रहा है तो महीने का यानि आप साल का 365 दिन चलने वाला ये बिजनेस है, क्योंकि ये एडिबल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जी जी जी, यानी ऐसा नहीं है कि कपड़े का सीजन है दिवाली में या ईद के पीरियड में चलेगा या जो ये रहते हैं आपके फेस्टिवल उसी पीरियड में चलेगा, नहीं ऐसा क्रिसमस नहीं है ऐसे पीरियड में चलेगा, ऐसा नहीं है, ये साल भर चलने वाला बिजनेस है। तो ये एक तो सीजनल नहीं है, हर दिन इसका इनपुट आता रहता है। तो इसका जो आपको इनकम मिल रहा है वो आप आपके खर्चे के लिए आपके इन्वेस्टमेंट के लिए लगा सकते हैं। बिल्कुल। और सर इसमें अभी जैसे बीच में कोरोना वायरस जो कोविड पैंडेमिक चल रहा था तो उस टाइम पे ना काफी सारे बिजनेस बंद हो गए। राइट लेकिन ये बिजनेस उस टाइम पे भी चलेगा। बिल्कुल क्योंकि ये एडिबल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जी, आपको खाने की जरूरत हर दिन है, आप इंडिया में रहते हैं। जी, इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एरियाज में नॉनवेज बहुत बड़े पैमाने पे खाया जाता है, वहाँ पे ऑयल का बहुत बड़ा रोल है। इवन वेजिटेरियंस में भी ऑयल बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है, जैसे पकोड़े हो गए या कुछ भी आप समझ लीजिए फ्राई करते रहते हैं। तो ऑयल ये बहुत एक बड़ा कंजम्पशन इंडिया में है। जी, तो इसमें जब आप नेचुरल ऑयल देते हैं और हेल्दी ऑयल देते हैं तो उसकी डिमांड तो कंटिन्यू है। बिल्कुल। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि जब ये बिजनेस आप लगाएंगे तो इसमें ना ज़्यादा लोग लग रहे हैं, यानी एक आदमी पे काम हो रहा है, छोटे से जगह पे काम हो रहा है, आपको बाहर सेल्स के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आप उस टाइप का मॉडल फाइनल करते हैं, अगर आप सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको बाहर कमी नहीं पड़ेगी, यानी बाहर कहीं घूमने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, अगर आप खुद का ब्रांड बना के बेचना चाहते हैं तब तो आपको मार्केट में लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। बट ये बिजनेस जो है वो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जी 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 सर, दो तरीके आप जरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। एक तरीका तो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। हमारे एक तेलंगाना में एक छोटा सा गाँव है जहाँ पे अगल बगल के एक 5 छोटे छोटे कस्बे का वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। जी, यानी एक क्लस्टर है, 10-15 हज़ार लोगों का एक गांव है, आजू बाजू के कुछ गांव 5-6 गांव के लोग वहां आ जाते हैं छोटे छोटे कस्बे के। जी, तो वहां पे ऑलरेडी 5-6 बोल्ट वाले मशीनें लगी हुई थी और दो युवा थे, उनका बिजनेस जो है वो करने का इरादा फाइनल हो गया, लेकिन क्या बिजनेस करें। जब उनको अपने इंडस्ट्री के बारे में पता चला, कोल्ड प्रेस ऑयल इंडस्ट्री के बारे में, उन्होंने देखा कि वहाँ पे जितने ऑयल मिल चल रहे हैं बोल्ट वाले वो तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो कुछ नया लाते हैं, तो वो आए यहाँ पे, उन्होंने ये मशीन लिया और उन्होंने वहाँ पे मशीन लगाया। बोल्ट वाले जो मशीन थे वो तो इंडस्ट्री बना के बैठे थे, बड़े बड़े एरिया में मार्केट बना के बॉयलर वगैरह लगा के बैठे थे। यानी अच्छा? एरिया भी बहुत बड़ा था, इन्वेस्टमेंट भी उनका काफी लगा था। और वो वहाँ लगा के जगह लगा के आदमी लगा के काम कर रहे थे। जी, इनका एक शॉप में काम चालू हो गया। अब उनका ब्रांड तो बनना नहीं है। बिल्कुल, शॉप है और काम शुरू किया, नए थे तो उनको हमने कुछ बिजनेस के आइडियाज दिए थे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम वो कॉमनली जब बिजनेस हमारी मशीन लोग लेके जाते हैं तो हम उनको कुछ बिजनेस आइडियाज कुछ बिजनेस ट्रेनिंग्स देते हैं, तो उन आइडियाज के बेस में उन्होंने काम शुरू किया।
और जब उनका इम्प्लीमेंटेशन परफेक्ट हुआ तो वहाँ पे 4 महीने के स्पैन में वहाँ पे वो ऑयल का सीड का प्रोडक्शन जिस टाइम पे आया उनका जी, तो उस टाइम पे 4 महीने का बहुत अच्छा उनका सीजन बहुत बड़ा चला। चलता तो साल भर है बट जो मेजर था वो 4 महीने में उनका हो गया, और 4 महीने में उन्होंने लगभग 170 टन क्रशिंग करा के दिया कस्टमरों को। यानि वहाँ पे लगभग 10 रुपए से लेके 15 रुपए तक रेट है वो कितना सीड कस्टमर लेके आते क्रशिंग के लिए। राइट, यहीं पे कुछ लोग क्या है कि कुछ एरियाज है जैसे हम यूपी बिहार देखेंगे वहाँ पे 5-6 रुपया किलो भी ऑयल सीड का प्रोसेसिंग का कॉस्ट लिया जाता है जी। बेसिकली ये जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट लिया जाता है कौन सा सीड है उस पे। हाँ। अगर आपके पास सैफ्लावर है तो अलग रेट है, सरसों है अलग रेट है। तो मैं अभी जो एग्जांपल बता रहा हूँ वो सैफ्लावर का है, यानी जिसको कुसुमा बोला जाता है। तो 4 महीने के स्पैन में लगभग 170 टन उन्होंने क्रशिंग किया। एवरेज में उनको जो इनकम आया वो 12 रुपये प्रति किलो तक था। 12 रुपये प्रति केजी, यानी आप ये समझ सकते हैं कि 4 महीने में एक छोटे से शॉप से उन्होंने 20 से 22 लाख रुपए तक का काम किया, और एक छोटे से शॉप से। और आज की डेट में अगर हम एवरेज निकाले तो 1 से 1.5 टन हर दिन उन्होंने उस पीरियड में क्रशिंग किया, जो बहुत सारे लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारे एरियाज में ये बड़ा आसानी से हो जाता है जी। वहाँ पे उनको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा, जहाँ वो काम कर रहे हैं वहीं से उनका क्रशिंग हो गया जी। लोग आके लेके गए, कोई खल छोड़ के गए, लगभग 20-30% लोग खल छोड़ के गए। हाँ। खल जब छोड़ के जाते हैं ना लोग और फ्री में लेके जाते हैं ऑयल, तो खल से उनको ज़्यादा इनकम आता है। अच्छा, पैसे देने की जगह पे ज़्यादा इनकम आता है। बट दोनों अगर तरीके देखें तो पैसे लोग देके जाते हैं अच्छा खासा। हाँ। और इस पीरियड में उनको कहीं भी जाना नहीं हुआ, उनके गांव में एक आदमी से उन्होंने इतना अच्छा खासा बिजनेस बना लिया बिजनेस। अब उनका ये था कि जब वो नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनको किसी ने बोला था कि 15 लाख रुपए करो तो नौकरी वो लगा देंगे। ओके, क्योंकि जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था वो बहुत बड़े पढ़े लिखे तो नहीं थे, इंजीनियर डॉक्टर तो थे नहीं बिल्कुल। तो लेकिन उनके मन में था कि नहीं यार, मैं बिजनेस करूंगा जी। तो उन्होंने ये जब इन्वेस्ट किया, उन्होंने तब 10 एचपी की मशीन लेके गए थे, और 10 एचपी का जो मशीन है उसका पूरा उनका इन्वेस्टमेंट लगभग 5.5-6 लाख तक उनका गया था। और उतने ही इन्वेस्टमेंट में उन्होंने 4 महीने में इतना अच्छा बिजनेस कर लिया जी। अब उनको किसी को पैसे भी देने नहीं पड़े, जो उनका इन्वेस्टमेंट है मशीन में वो खुद का रह गया इन्वेस्टमेंट, रिकवर हो गया ना, कंटिन्यू हो गया जी। और वो जो इनकम है आज की डेट में, वो हर दिन, आज भी हर दिन लगभग 500 से 600 किलो प्रोसेसिंग करते हैं। यानि अगर आप समझे 5 से 6 क्विंटल प्रोसेसिंग भी अगर पकड़े तो हर दिन का आज भी वो 6,000-7,000 आराम से उसमें, उस बिजनेस से उनको रिवेन्यू आ रहा है जी। तो जब हम बात करते हैं इस बिजनेस की, तो ये बिजनेस आसान है क्या? काफ़ी आसान है जी। शुरू में मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, यानी मैं आपके ज़रिए से लोगों को बताना ज़रूर चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि आप ये इतना अच्छा खासा बिजनेस अगर है तो बहुत सारे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है बिल्कुल सर। क्या होता है कि हमें सबको पता है कि पिज़्ज़ा खाने से सेहत बिगड़ती है जी, कुछ लोग नहीं खाते। हाँ। और बहुत सारे लोग खाते हैं बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग क्यों खाते हैं वो तो पता नहीं है, नहीं पता बट कुछ नहीं खाते, जैसे वो डिसीजन किसी के हाथ में नहीं है बिल्कुल। वैसे बिजनेस से पैसा मिलता है ये तो सबको पता है, अच्छे बिजनेस से। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं कि अच्छे बिजनेस से पैसा तो आप कमा सकते हैं, लेकिन बिजनेस करना ना करना ये तो अपने हाथ में है। डिसीजन आपने लेना है। अब इस बिजनेस में जैसे मैंने कहा, जब आप मशीन लेते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से कुछ बिजनेस आइडियाज देते हैं जी। इवन हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से अमेज़ॉन पे लाखों रुपए का मटेरियल हर महीने बेच रहे हैं।
जी सर, यही दूसरा वाला भी मुझे तरीका जानना था। तो दूसरा भी मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप ऑयल बनाते हैं, सर्विस इंडस्ट्री तो आपने समझ ली, बिल्कुल, जब ये ऑयल बनाते हैं इसको आपको प्रोसेसिंग करना है, बॉटलिंग करना है, उसके कुछ लाइसेंस रहते हैं जी, दो तीन बहुत आसान लाइसेंस है, मुश्किल ऐसा कोई काम नहीं है, यानी आपने डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, मुश्किल ऐसा कोई काम नहीं। तो जो दो तीन लाइसेंस है वो आराम से निकल जाते हैं आपके, 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं आता, बस 2-3 हज़ार रुपये में, और वो आप पैकिंग करके आप अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट, ऐसे जो कमर्शियल साइट्स है तो उन साइट्स पे आप बेच सकते हैं। हमारे एक कस्टमर तो जो अपने खुद का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, अच्छा। अभी हमने उनको रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने ये हमें बताया कि अगर उनको भी टाइम मिला तो वो हमारे भी कुछ कस्टमरों को कैसे एक्सपोर्ट करना है उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि आज गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी अच्छी बनी है कि हर गांव से डाक विभाग का एक एक्सपोर्ट सेल काम करता है, जो आपसे आधा किलो से 35 किलो तक कोई भी पार्सल लेके वो आपको पूरे दुनिया में कहीं भी भेज सकता है, तो ये भी सुविधा है। तो उसका भी ट्रेनिंग उन्होंने बोला है कि वो टाइम मिला तो ज़रूर देंगे, तो वो भी आपको मिल सकता है या आप खुद भी वो जानकारी ले सकते हैं, बिल्कुल। तो जब आप यहाँ आते हैं आपको बिजनेस करने के जो सारे तरीके हैं वो आपको समझ में आएंगे, और कैसे आप हर दिन बहुत अच्छा खासा इनकम कमा पाएंगे जी वो समझ में आएगा। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको हम बता पाएंगे, हमारे कुछ कस्टमर जो है इस बिजनेस से जो कमाए हुआ पैसा है वो और कहीं जगह पे इन्वेस्ट करके उन्होंने उस पर भी बहुत बड़ी अर्निंग की है, क्योंकि इस बिज़नेस की जो खासियत है, जो पैसा आपका इनकम आ रहा है वो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे बिज़नेस में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जी जी, अगर आप कोई बिज़नेस वाले को पूछेंगे, चाहे वो किराना शॉप वाला हो, चाहे ग्रॉसरी मीन्स रेडीमेड वाला हो, ग्रॉसरी वाला हो, या कॉमनली बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन आप देखेंगे, कपड़ा जूता चप्पल, सभी बिजनेसेस में आपको इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है, सेल्स का प्रॉब्लम है, कस्टमर का प्रॉब्लम है, स्टॉक का प्रॉब्लम है। ये बिजनेस आपका ऐसा है जिसमें आप आज बना रहे वहीं पे वहीं वो जा रहा है, बिल्कुल। तो यानी कि आपके हाथ में प्रॉफिट आ जाता है, सीधा प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाता है। आपको उसमें कोई हार्ड कैलकुलेशन अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, जो आया वो आपका है बस। तो इतना आसान बिजनेस है ये बिजनेस, बहुत सारे लोगों को शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन आसान कैसे बनेगा वो भी हम समझाते हैं जी, और क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए वो भी यहाँ आने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप यहाँ पर आओ या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, जिससे आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो सर, अभी जैसे दर्शक हमारे इंतज़ार कर रहे हैं कि मशीन कैसे काम करती है, तो वो एक बार आप समझा दीजिए। तो चलिए सर, देखते हैं डायरेक्टली, हम लाइव ही देखते हैं मशीन कैसे काम करती है और कितना आसान प्रोसेस है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि कितना ये आसान प्रोसेस है, यानी ये जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ये कितना आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, जो अपना जो सीड है ऑयल का वो सिर्फ यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे जैसे ही सीड जाएगा, बस आपको यहाँ पे सीड डालना है, और जैसे ही ये सीड यहाँ पे डालेगा तो जो मशीन है अपनी, ये मशीन प्रोसेस कर लेगी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑयल प्रोडक्शन है, ये बिल्कुल ठंडा ऑयल आएगा, आप अगर इसको देख रहे हैं तो बिल्कुल ठंडा ऑयल आएगा। ये इतना आसान तरीका है, इसका जो खल है जिसको हम DOC बोलते हैं, तो ये DOC आप यहाँ देख सकते हैं, DOC एकदम स्पीड से आता है और बहुत ही पतला DOC, जैसे अभी आप ये देख सकते हैं ये इतना पतला DOC आता है, और इस DOC में आपको ऑयल की कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं दिखेगी, बहुत सारा ऑयल एक ही क्रशिंग में अपनी इस मशीन को आप अपनी इस मशीन से एक ही क्रशिंग में काफ़ी ऑयल निकाल सकते हैं। जैसे अब सरसों में आपने देखा कि इतनी बारीक खल बनती है, और ये जो स्पीड आप देख रहे हैं, तो इतनी स्पीड से ऑयल का जो खल है
DOC डीऑइल्ड खल वो निकलता है, ऐसी स्पीड अपने ऑयल की रहती है, इतना सिंपल प्रोडक्शन है दोस्तों। ये है यहाँ पर हमारे पास में कोल्ड प्रेस, और देखिए कोल्ड प्रेस कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर राई या फिर आपको सेंग दाना जिस भी चीज़ का तेल निकालना है आपको वो डाल देना है। ये इसके अंदर आप देख सकते हो हमारा जो राई है वो चले गया है, और ये मशीन यहाँ से ऑपरेट हो करके, यहाँ से चल करके आपको यहाँ से ऑयल निकाल करके देगी। ये आप देख सकते हो, ये आप देखिए बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ठंडा ऑयल इस मशीन से निकाल करके आपको मिलेगा। ये आप देखिए किस तरीके से ये मशीन काम कर रही है, और इसके अंदर बस ऊपर से आपको जो भी आपका माल है वो डालना है, और डालने के बाद में ये मशीन तुरंत ही प्रोसेस करके आपको तुरंत ही बिल्कुल फ्रेश ऑयल निकाल करके दे देगी। और दोस्तों ये जो खल इसका निकलता है बाद में, जैसे हम DOC भी कहते हैं, ये आप देखिए बिल्कुल पेपर थिन DOC आपको इस मशीन में से यहाँ से निकाल करके मिलने वाला है। ये देखिए ये आप देखिए बिल्कुल पेपर थिन, और ये DOC आपका एनिमल फीड बनाने के, और अगर आपके पास में जानवर वगैरह है, पशुपालन है, तो उनको खिलाने के लिए भी दोस्तों बहुत ही हेल्दी फूड होता है। ये मशीन आप देख सकते हो दोस्तों कितना ज़बरदस्त मशीन है, और ये मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं भारत एग्रीटेक, जिनका ऑफिस है लातूर महाराष्ट्र में। उनके मोबाइल नंबर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप भी कोल्ड प्रेस लगवाना चाहते हैं तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। आगे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। डेमो आपने समझ लिया, आपने सारी जानकारी समझ ली। अब आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये बिज़नेस आपको शुरू करना है तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कमाई कितनी होगी। तो सर ये क्वेश्चन का आप आंसर प्लीज़ दे दीजिए। जी सर, बेसिकली अभी जो हमने डेमो देखा है जी, वो 10 HP का मशीन था। इसमें 15 HP का मशीन भी काफ़ी मशहूर है अपना, और जो लोग बहुत बड़े पैमाने पे ऑलरेडी ये बिज़नेस कर रहे हैं उनके पास अपने 30 HP के भी मॉडल मौजूद हैं। अच्छा, तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको आज की डेट का अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें जी, तो लगभग 6 लाख में आपका एक बिज़नेस ये शुरू हो सकता है जी। और आपको जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा आप मशीन भी बढ़ा ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग 15 HP के ही मशीन शुरू कर रहे हैं और अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो शुरुआत में तो आपको 10 HP का जब मशीन लगाना है तो आपको 6 लाख से काम शुरू हो सकता है आज की डेट में। जी सर, इन्वेस्टमेंट का तो हो गया, लेकिन प्रॉफिट का रह गया सर। प्रॉफिट कितना है इसके अंदर, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कब से। देखिए सर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें जितना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। जी। दो तरीके से इसमें बिजनेस किया जाता है, सर्विस इंडस्ट्री और खुद का ब्रांड। सर्विस इंडस्ट्री में हमारे कस्टमर आज की डेट में अच्छा खासा कमा रहे हैं, यानी आप हर दिन का 1000 रुपये से हर दिन का 15000 रुपये तक भी कमा रहे हैं लोग, और जो ब्रांड है खुद का उससे भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपको उसकी आइडिया आ जाएगी जब आप यहाँ आएंगे, आप खुद समझेंगे बिज़नेस को, और आपके एरिया से वो कोरिलेट करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कितना प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और आप भी इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जी, और वैसे भी बिज़नेस में प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं होता है सर। एग्जैक्टली सर, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली क्योंकि एक मशीन से तो सर बता देंगे कि भाई डेली का इतना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आपके यहाँ रेट क्या चल रहा है, और आप एक मशीन ले रहे हो, उसके बाद में हो सकता है कि 6 महीने बाद आपको दूसरी लेना पड़ जाए। बहुत सारे हमारे कस्टमर ऑलरेडी 5-5, 6-6 मशीन लगा चुके हैं और बहुत अच्छा खासा वो कर रहे हैं। 5-5, 6-6 मशीन कंटिन्यू रनिंग में। कंटिन्यू रनिंग में 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आपको करना है, और इससे आपका ऐसा बिजनेस शुरू होगा
जो 4 महीने में आपको 20 से 25 लाख तक भी कमा करके दे सकता है। सर वो एक सक्सेस स्टोरी है, आपको उससे बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। हो सकता है कि 20 की जगह आपका 25 लाख हो, लेकिन अगर कुछ किया नहीं तो वो लाख रुपए भी नहीं होगा। बिल्कुल, मेहनत तो सर जरूरी है। यानी काम कैसे करना है वो आप पे डिपेंड है जी। और सर अभी इससे काफी लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी भी नहीं है और वो लोग सोच रहे होंगे कि 6 लाख हम इन्वेस्ट कर देंगे, हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो उसके बारे में गाइड हमको कैसे करेंगे सर लोगों को? सर देखिए, हम जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको कहा जी, कि हमारा काम है कि जो युवा है या बहुत सारे हमारे ऐसे कस्टमर है जो ऑलरेडी उनका अभी सर्विस कंप्लीट हुआ है, रिटायरमेंट में वो कुछ कमाना चाहते हैं, बैठ के खाना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को भी बिजनेस कैसे शुरू करना चाहिए, क्या उसमें आइडियाज़ लगाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम यहाँ पे कस्टमर को, जब वो कस्टमर डिलीवरी लेने आते हैं तो उनको पूरा डिटेल हम जानकारी देते हैं, उनको सारी समझ देते हैं और उस बेस पे लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। यानी कि बिजनेस गाइडेंस आपकी तरफ से उनको मिल जाएगा अगर वो आपके साथ में जुड़ते हैं तो जी। और सर अभी कोई भी हमारे, जैसे हमारे दर्शक हैं ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर के काफ़ी इलाकों से भी वीडियो को देखते हैं जी, तो अगर वो ये बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इतना बड़ा और इतना हैवी मशीन उन तक कैसे पहुँचेगा? सर ऑलरेडी अपना ऑल इंडिया में मशीन जाता ही है, इंडिया के बाहर भी मशीन जाता है जी। तो जब आप हमारे कंपनी के साथ कांटेक्ट करेंगे आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बड़ी आसानी से आप तक ये मशीन पहुंच सकता है जी। कोई सर दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं भी पहुंचा सकते हैं, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं। आप यहां आके पहले ये बिजनेस समझ सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि क्या ठंडा ऑयल सच में आ रहा है, क्या एक दो प्रेसिंग में ही निकल रहा है, तो ये पूरा तसल्ली करके आप इत्मीनान से ये डिसीजन ले सकते हैं, इस बिजनेस को समझ के आप शुरू कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी आपको शेखर सर ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जितनी एक वीडियो से आपको मिलना चाहिए उतना सब कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में सर ने दे दिया है। और इसके अलावा अगर आपको ये बिजनेस करना है तो फिर आप इसके अंदर और डीप जाओगे कि कैसे शुरू होगा, क्या होगा, कैसे काम करना है, कहाँ लगाना है, तो वो सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे हम भारत एग्रीटेक कंपनी के आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंपनी का एड्रेस मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट एड्रेस पर भी आप विजिट कर सकते हो। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आप यहाँ पर आओ, शेखर सर से मिलिए, इनके जो फैकल्टी है उनसे मिलिए और लाइव यहाँ पर सब कुछ देख करके आप ये बिजनेस को शुरू करने का डिसीजन लीजिए। तो सबसे पहले शेखर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और इतनी जानकारी दी। और दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। अगर आपको बिजनेस आइडिया पसंद है तो इसको करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी जेन्युइन बिजनेस आइडियाज़ के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।